अर्चना खरे क्लास 12 की फिजिक्स सीरीज का 16 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम जानेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। उसके पहले हम जानेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आप पढ़ चुके हो, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस के बराबर वाली आर्क, वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनाती है उसको कहते हैं एक रेडियन। सॉलिड एंगल ये आपका स्फीयर है, स्फीयर पे कोई एरिया हमने डीए ले लिया है, इसके सभी बिंदुओं को हम गोले के केंद्र से मिला रहे हैं, तो ये देखिए कोण जैसा बन रहा है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो रेडियस के स्क्वायर के बराबर वाला एरिया गोले के केंद्र पे जो सॉलिड एंगल बनाता है उसको कहते हैं एक इस रेडियन। इस रेडियन जो है सॉलिड एंगल का यूनिट है। पूरा एरिया जो है गोले के केंद्र पर 4 pi से रेडियन सॉलिड एंगल बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया के ऊपर लंब, ये आपका वेक्टर एरिया है और एरिया को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है 0। अब मान लीजिए एरिया ये है, डी एरिया ये है और ये इस बिंदु पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा, इस एरिया को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के लॉन्ग यूनिट वेक्टर एन कैप है और वेक्टर एरिया के बीच कोण है थीटा। तो अब ये जो ये एरिया जो है यह ओ बिंदु पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही।